आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जो है गांव में हूँ अपने, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग कितना जो है कोहरा पड़ा हुआ है, जिसको धुंध कहा जाता है गांव में। और इसकी वजह से जो है गांव में मकान और पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, और सड़कों पे जो है गाड़ियाँ भी जो है नहीं दिखाई देती, जिस बेस पे जो है यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होने की जो है संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी कोहरा है, और भी ये बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है कुछ भी नहीं था ऐसा यहाँ पर। मैं जो है अपने घर की छत पर जो है खड़ा हूँ, और इधर यहाँ देख सकते हैं अभी पेड़ भी काफ़ी धुंधले जो है दिखाई दे रहे हैं, और भी जो है कोहरा ये बढ़ता जा रहा है। इधर सूरज भी काफ़ी जो है धुंधला दिखाई दे रहा है, सकते हैं सूरज भी जो है इस यहाँ पर बहुत ही कम जो है दिखाई देता है कोहरे की वजह से। ये देख सकते हैं सामने पूरा जो है कोरा कोरा है। अभी जो है आपको नीचे से दिखाता हूँ मैं चल के। इधर भी देख सकते हैं सामने के जो है मकान भी जो दिखाई नहीं दे रहे, और इधर भी जो है गांव भी पूरा जो है दिखाई नहीं दे रहा। जब कोरा साफ हो जाता है तो पूरा गांव दिखाई देता है। इधर सामने जो है ये बारात घर है, ये भी जो है दिखाई नहीं दे रही, देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ से जो है पूरा जंगल दिखाई देता है, और कोहरे की वजह से जो है कुछ भी यहाँ पर साफ नहीं। मैं हूँ इस वक्त खेतों की तरफ, और आप देख सकते हैं इधर भी जो है कितना जो है ये कोहरा पड़ा है, धुंध पड़ी है यहाँ पर। और जो है गन्ने के खेत भी हैं यहाँ पर, वो दिखाई नहीं दे रहे। लोग जो है इन खेतों में अभी भी जो है काम कर रहे हैं, वो भी जो है इस कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहे। ये देख सकते हैं इधर काफ़ी खेत हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े गन्ने के जो है यहाँ पर खेत भी है। इस तरीके का जो है यहाँ पर कोहरा पड़ता है हर साल ये, और इस कोहरे की वजह से जो है काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि इस कोहरे में जो है नज़दीक का जो खड़ा बंदा जो है वो भी नहीं दिखाई देता। दूर तक का तो कम बात है कि जो दिखाई दे जाए, पास का जो खड़ा बंदा वो भी जो है नहीं दिखाई देता है। और ये कोहरा जो है इस वक्त तो कम है, और आने वाले टाइम में जो है ये और भी जो है ज़्यादा कोहरा पड़ सकता है। ये देख सकते हैं पूरा इधर तक, और सामने से जो है ट्रैक्टर आ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से जो है जो हाईवे होते हैं बड़े हाईवे, वहाँ पर जो है गाड़ियाँ टकरा जाती है, क्योंकि आमने सामने की जो है दिखाई नहीं देती, और उसी बेस पे जो है काफ़ी ट्रैफिक होता है। आप जो है अक्सर वीडियो भी देखते होंगे फेसबुक आईडी पे या यूट्यूब पर। और मैं भी जो है गांव में आया था 10-15 तारीख के आसपास, और 6-7 दिन जो है तो इतने जो है कोहरा नहीं होता जितना जो है गांव में होता है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, इसलिए यहाँ पर जो है कोहरा ज़्यादा होता है।